सौम्या, ये भी जानना चाहूंगा कि जब आपने फाइनली डिसाइड कर दिया, बहुत कम समय था, तब क्या कदम उठाया, क्या सोचा कि अब किस तरफ आगे बढ़ूं, किस दिशा में जाऊं, तब कैसे हेल्प ली और गाइडेंस ली? उस टाइम पे मैंने क्या किया, एक तो मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ी रिस्क ले रही हूँ। 4 महीने हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम 18 जून को था और मेरा कॉलेज का फाइनल पेपर 2 जून को था, तो मुझे था कि मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ। लेकिन 5th ईयर था मेरा कॉलेज का, मैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली हल्का होता है, क्लास के इतने लंबे घंटे की क्लासेज नहीं होती, तो मैंने सोचा शायद मैं मैनेज कर लूँगी। मेरा फर्स्ट स्टेप जो मैंने लिया था वो इंटरनेट पर जाके मैंने टॉपर स्ट्रैटेजीज़ देखी, जो लोग टॉपर्स अपनी स्ट्रैटेजीज डालते हैं ऑनलाइन, मैंने वो सारी देखी, बुक लिस्ट वगैरह सब कुछ देखा, और मैंने एक सबकी स्ट्रैटेजीज पढ़ के, जिनके भी अच्छे मार्क्स आए थे जनरल स्टडीज़ एक्सेट्रा में, मैंने एक अपनी खुद की स्ट्रैटेजी एंड बुक लिस्ट बनाई, और मैंने देखा ये सारे सोर्सेज हैं, इनमें से करने का फ़ायदा है, दीज आर एक्स्ट्रा, एंड देन वंस वो मेरा पक्का था कि ये सब है बुक्स, ये सब इस तरह से करना है और इस तरह से लोगों का हुआ है, तो वो मैंने कम से कम आई थिंक 10-15 स्ट्रैटेजीज तो पढ़ी थी लोगों की, और उसके बाद आई मेड माई ओन स्ट्रैटेजी कि अच्छा अब मेरे को लगता है ऐसे करना चाहिए। और उस दिन ऐसे हो गया था, मैं हॉस्टल में रहती थी तो यूजुअली मैं हर वीकेंड घर आ जाती थी, उस दिन मैं आई नहीं उसके बाद, मतलब संडे को जैसे घर से मैं अपने हॉस्टल में गई तो मैं शायद 1-1.5 महीने हॉस्टल में ही रही, मैं आई ही नहीं घर, मैं अपने रूम में बैठ के बस पढ़ रही थी, क्योंकि फिर एक तरीके का जुनून पैदा हो जाता है कि अब इसको करना है और अच्छे से करना है, तो फिर और मेरे पास टाइम भी काफ़ी था, जैसे मैं आपको बता रही हूँ 5th ईयर में कुछ इतनी हैवी नहीं थी हमारी पढ़ाई, तो मैंने सोचा कि शायद अगर मैं अभी अपना ढंग से एक सिंसेरिटी के साथ और एक सच्चाई के साथ पढ़ाई करूँ तो शायद मेरा हो सकता है, और एक विश्वास अपने अंदर कि मेरा हो जाएगा अगर मैं लगी रहूँ, और मेरे फ्रेंड्स एंड माय फैमिली जो मेरे आसपास थे उन्होंने भी मुझे वो एक तरीके का विश्वास दिलाया कि तुम्हारा हो सकता है, तुम में वो मतलब तुम लगी रहो तुम्हारा हो जाएगा, तो उन लोगों का भी सपोर्ट इम्पॉर्टेंट रहा, एंड इट वाज जस्ट लाइक उस दिन डिसाइड करा था, उसके फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा, फिर था कि अब ये आगे ही इसी डायरेक्शन में जाएगा, और वो फर्म्स वगैरह का भी ईमेल आनी शुरू हो गई कि बना ये ज्वाइनिंग, जो उनको रिजेक्ट करा कि अब नहीं होगा ज्वाइनिंग कोई, तो फिर एक वो भी प्रेशर हो गया कि अब मैं कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड हूँ और करना तो यही करना है। बिल्कुल, हाँ। So, जैसे सर हमेशा बोलते हैं बर्न योर ब्रिजेस, बर्न योर बोट, एवरीथिंग। और एक ये कुछ मैंने अपने हॉस्टल रूम को मैंने अपने ब्लॉग में डाला एक लिंक, मैंने अपने आसपास अपनी हॉस्टल रूम को इतनी मोटिवेशनल कोट्स एंड एक्सेट्रा आई यूज टू राइट, उठती थी तो मेरे सामने लगवा जाता, इट्स बेटर टू स्वेट नाउ देन ब्लीड लेटर, अभी करो, मतलब एक वो हो गया कि यही टाइम है करने का और अच्छे से करना तो अभी कर लो, वो बिकॉज आई एम फुल ऑफ एंथुजियाज्म और अभी तक फेलियर नहीं देखा, तो मुझे था अभी अच्छे से करूँगी तो हो जाए।